बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने कुकिंग चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपकी खिदमत में लाहौर का बहुत ही मशहूर तवा चिकन की रेसिपी लेकर हाजिर हुए हैं। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। तो चलिए देखते हैं कि आज का जो लाहौरी तवा चिकन है उसको बनाने के लिए हमें कौन से इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर होंगे। तो सबसे पहले आप देख लें कि मैंने दो चिकन के पीस ले लिया और इनको इस तरह से हमने बड़े बड़े कट्स लगा लिया। आप इनको किसी भी रुख का लगा सकते हैं। इसके साथ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, नमक आधा खाने का चम्मच, आप अपनी जरूरत के हिसाब से लेंगे, 1/2 चम्मच हमने मोटी कुटी हुई सुर्ख मिर्च लेनी है, 1 चम्मच हमने सूखा धनिया का पाउडर लेना है, सुर्ख मिर्च पाउडर 1 चम्मच, काली मिर्च 1/2 खाने का चम्मच, गरम मसाला पाउडर हमने लिया है 1/2 खाने का चम्मच, हल्दी 1/2 खाने का चम्मच, चाट मसाला 1 खाने का चम्मच, जीरा साबुत लिया है, वैसे ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको पेस्ट भी बना सकते हैं, 1 चम्मच, हरी मिर्च का पेस्ट जो हमने लिया है 1 चम्मच, आप इसको अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग तीखा खाते हैं कुछ लोग नॉर्मल टेस्ट के मुताबिक खाते हैं, तो जो तीखा खाएंगे वो इसको ज्यादा क्वांटिटी कर लेंगे मिर्चों की, और जो थोड़ा नॉर्मल खाते हैं वो इसको इसी क्वांटिटी में लेकर चलेंगे। इसके साथ हम 1 से 2 टेबल स्पून जो है वो कुकिंग ऑयल लेंगे, 1 नींबू का रस इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ आप ये देख सकते हैं कि मैंने लहसुन का पूरा जो है वो एक पूरी तूड़ी जो है वो लहसुन की ले ली है साबुत। याद रखिए कि इसके अलावा जो है मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी इस्तेमाल। इसके साथ हमने 3 हरी मिर्चें ली हैं, इसको मोटी मोटी काट के डालेंगे। साथ में हमने 1 टमाटर के स्लाइस लेने हैं और 1 प्याले जो है वो मैंने दही का ले लिया है। तो चलिए अब अपने तवा चिकन बनाने की रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, खुले मुंह वाला बर्तन ले लेना है जैसा कि मैंने ले लिया स्क्रीन पर, और उसमें अपने चिकन पीसेस जो हैं वो सेट कर लेने हैं। अब हम इसमें जो मसाले हैं वो पहले मैं सारे ड्राई मसाले इसमें ऐड करूंगी, सुर्ख मिर्च पाउडर, चाट मसाला, गरम मसाला, हल्दी, अदरक लहसुन का पेस्ट, सुर्ख मिर्च मोटी कुटी हुई, काली मिर्च पाउडर, पीसा हुआ सूखा धनिया, जीरा साबुत, हरी मिर्च की पेस्ट, नमक, 1 नींबू का हमने रस इस्तेमाल करना है। आप इसको 2 भी ले सकते हैं, ये आपके अपने टेस्ट पर डिपेंड करता है। मैं इसको आपको डायरेक्ट ही करके दूँ। थोड़े से हमारे नींबू का साइज बड़ा है लेकिन ये बहुत अच्छा इसको स्क्वीज करेगा। अब हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, हमने इनको अच्छे से मसाला लगा लिए। अब मैं इसको 6 से 8 घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ दूंगी। अगर आपने इसको बहुत ही जो इसका रियल टेस्ट है उसमें एंजॉय करना है तो इसके लिए जरूरी है कि आप इसको मिनिमम 6 से 8 घंटे के लिए मैरिनेट करके छोड़ दें। तो अब मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी 6 से 8 घंटे के लिए। ये देखें व्यूअर्स, अब 8 घंटे हो चुके हैं हमें मैरिनेट करते हुए। अब मैं इसको कढ़ाई में रखकर पकाऊंगी। ये देखें व्यूअर्स, हमने इस तरह एक खुले मुंह वाला पैन ले लिया और इसका जो नीचे वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा बदनी है, मोटा है, इसलिए मैंने ये वाला पैन लिया। आपके पास नॉन स्टिक हो तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से जो है आपने पीस को सेट कर लेना है। अब जो बाकी मैरिनेशन से बचा हुआ था मैं वो दही और पानी जो इसके अंदर शामिल कर देंगे और अब मैं इसको ढांक कर रख दूंगी धीमी आंच पर। बिल्कुल मैंने दम वाली आग लगाई है। 5 से 7 मिनट मैं ईच साइड इसको पकाऊंगी 15 मिनट के लिए। अब 7 मिनट हो चुके हैं एक साइड को पकते हुए। अब हम चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें व्यूअर्स, इसने अपना पानी छोड़ दिया है अच्छे से। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो साइड चेंज करते हुए आपने थोड़ी सी एहतियात बरतनी है कि ये टूटे ना, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट और हो चुका है मैरिनेशन के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अब हम इसको दोबारा कवर करके छोड़ देंगे मज़ीद 7 से 8 मिनट पकने के लिए।
चलिए व्यूअर्स, अब 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि जो हमारा चिकन है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है और गोश्त जो है हमारा वो बहुत अच्छे से गल चुका है माशाल्लाह। ये देखें, अब हम इसको तवे पर पकाएंगे और साथ ही हम अगला स्टेप जो है अपना कंप्लीट कर लेंगे। अब हम तवा चिकन के लिए लहसुन का पानी तैयार करेंगे, तो इसके लिए ये देखें मैंने पूरा एक ले लिया है, उसके बाद मैंने इसको वॉश किया। अब हम हल्का से डंडे के साथ इस तरह से इसको कर लेंगे। अब ये सारा छिलकों समेत जो लहसुन है हम इसको शामिल कर देंगे इस पानी में, और पानी भी आप देख सकते हैं कि मैंने एक ग्लास के करीब जो है वो पानी लिया है। अब जिस तरह इसमें 2 से 3 बॉयल आ जाएंगे तो ये इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब इसको चूल्हे पर पकने के लिए रखते हैं। ये देखें व्यूअर्स, हमारा जो लहसुन वाला पानी था वो बिल्कुल तैयार हो चुका है, इसलिए मैं इसको चूल्हा बंद करके कर दूंगी साइड पर और तवा रखकर हम नेक्स्ट स्टेप जो है अपना स्टार्ट करेंगे। अब हमने दही का जो है वो मसाला तैयार करना है दही की मदद से, तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक प्याली जो है वो दही की ली है, सूखा मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, पिसा हुआ सूखा धनिया हमने 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1/2 खाने का चम्मच और 1/2 खाने का चम्मच हमने चाट मसाला लिया है। अब इन चारों चीजों को मैं क्या करूंगी, इस दही में शामिल कर दूंगी, लेकिन एक बात का आपने ख्याल रखना है कि मैंने नमक चिकन में शामिल किया था, इसमें मैं शामिल नहीं करूंगी और आप अच्छे से मैं इनकी पेस्ट बना लूंगी। हमने सारे मसाले दही में अच्छे से मिक्स कर लिए, मिक्स करने के बाद ये कुछ इस तरह की हमारे पास एक पेस्ट ही बन गई है। अब हमने क्या करना है, जब हम चिकन को तवे पर रखकर पकाएंगे तो साथ साथ हम इसको उसके ऊपर ऐड करते जाएंगे ताकि इसका जो टेस्ट है वो और ज्यादा बढ़ जाए। तो चलिए अब हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये देखें व्यूअर्स, मैंने तवा ले लिया है और तवे के ऊपर जो आपने इस तरह करके जो टमाटर है वो रखने, आप इसको चॉप भी कर सकते हैं और स्लाइस भी बना सकते हैं। साथ ही मैं क्या करूंगी, हरी मिर्चें जो है वो डाल दूंगी तवे पर। मैंने स्लाइस भी करके टमाटर दिखा दिए हैं और अब मैंने चॉप किया हुआ टमाटर भी इसके ऊपर शामिल कर। अब हम अपने चिकन के पीसेस जो हैं वो इसके ऊपर रखते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह। अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा जो लहसुन का पानी हमने पकाया हुआ है वो शामिल करते जाएंगे। ये देखें व्यूअर्स, मैं 1 चम्मच के करीब जो है मैंने कुकिंग ऑयल इसके ऊपर डाल दिया है। और अब हम क्या करेंगे, ये जो दही का हमने मसाला तैयार किया वो इसके ऊपर इस तरह से हम डालते जाएंगे। एक और चीज, हम इसके ऊपर टकाटक नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारा घर का रेगुलर तवा है, वो तवा थोड़ा सा मोटा होता है और चूल्हा भी और तरह का होता है, इसलिए हम जस्ट हम इसको पकाएंगे, पकाने का तरीका सेम है, जस्ट एंड पर क्या करते हैं वो इन हिस्सों पर रखकर हड्डी को अलग कर देते हैं। बस अब हमने 2-2 मिनट बाद इनकी साइड चेंज करते जाना है फिर थोड़ा। अच्छा जी, हमने क्या करना है, अब मैंने लहसुन का पानी भी डाल दिया और दही भी डाल दिया। अब हमने क्या करना है, 2 मिनट हम इसको इस साइड से पकाएंगे और 2 मिनट उस साइड से पकाएंगे। हर दफा 3 मिनट बाद जो हमने क्या करना है, सेम यही प्रोसीजर हमने दोहराते जाना है और फिर इंशाल्लाह हमारा जो तवा चिकन है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। आंच को मैंने बहुत ही लो रखा हुआ है क्योंकि हमारा चिकन ऑलरेडी पक चुका है। इसी तरह बस हम तरीके को जो है वो दोहराते जाएंगे और फिर ये पक जाएगा। ये देखें व्यूअर्स, हमारा जो तवा चिकन था वो बिल्कुल पककर तैयार हो चुका है। अब हम इसी में इसको सर्व करेंगे इसके रेल टच के साथ। इसके साथ ही आज की हमारी ये रेसिपी कंप्लीट होती है। इसको घर पे ट्राई करें और हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको आज की ये डिश किस तरह की लगी। कल इंशाल्लाह एक बार फिर नई रेसिपीज के साथ हाजिर होंगे, लेकिन जाने से पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। तब तक अपना ख्याल रखें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।